मैटर डिफेमेशन का था, जहाँ पे एक डिफेमेशन का केस प्रदीप मदी ने फाइल किया, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग हाईकोर्ट आए थे, उसके समनिंग ऑर्डर चैलेंज किया तो वो डिसमिस हुआ था। तो उसके बाद जब समनिंग ऑर्डर को डिसमिस हो गया, उसके बाद हमने 205 फॉर डिस्पेंसिंग पर्सनल अपीयरेंस फाइल किए थे, वो एमएलए एमपी कोर्ट ने डिसमिस किया था, उसको हम चैलेंज किए थे क्रिमिनल रिट में। आज उसमें वो नोटिस डिस्पेंस करते हुए प्रदीप मोदी जी को 2 हफ्ता का टाइम दिया गया, इन द मीन टाइम नो कोर्सिव स्टेप त्वरित कार्रवाई को रोक दिया गया। 16 अगस्त को इस केस को फिर से रखा गया है सुनवाई के लिए। तो सर अभी अभी राहुल गांधी जी को जो समन में आना था वो और अभी आना नहीं पड़ेगा टिल 16th of August, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेंगे कि क्या फाइनल ऑर्डर होगी। यही है आज का कार्रवाई। अगली सुनवाई 16 अगस्त। प्रदीप मोदी आज अपेयर करके नोटिस कर लिए हैं, डिस्पेंस कर लिए, उनका लॉयर अपेयर करेंगे और बोले हैं कि 2 हफ्ता के अंदर एफिडेविट फाइल कर देंगे अगर जरूरत पड़े तो। इन द मीन टाइम नो कोर्सिव स्टेप्स ग्रांट किया गया है राहुल गांधी के फेवर में और मैटर को 16 अगस्त फिर से रखा गया। मतलब सीधा सीधा अगर आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो जो MPMLA कोर्ट ने बोला था कि राहुल गांधी को पर्सनल अपीयरेंस करना, उसको रोक लगा दिया गया है, उसको उसमें नो कोर्सिव स्टेप्स मतलब उनके अगेंस्ट में कोई त्वरित कार्रवाई अभी होगी नहीं। और इन द मीन टाइम कंप्लेनेंट को 2 हफ्ता का टाइम दिया गया प्रदीप मोदी जी को इसका जवाब फाइल करने के लिए, और वो फाइल करेंगे और 16 अगस्त को केस को फिर से सुनवाई होगी। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।